एग ब्रेड का नाश्ता। ब्रेड एग का नाश्ता फौरन मिनटों में तैयार हो जाता है। बच्चे जो लंच बॉक्स में जाना पसंद करते हैं, आप एक दफा बच्चों को बना के देंगे तो इंशाल्लाह बच्चे जब भी आप बच्चों के लिए टिफिन बनाने लगेंगे, लंच बनाने लगे, तो वो कहेंगे हम ये वाला एग और ब्रेड का जो नाश्ता वो तैयार करके दीजिए। बच्चे इंशाल्लाह फिर स्कूल भी जाएंगे और अपने लगे लंच बॉक्स भी फिर लेंगे, वो भी करवाना आप लोगों से पसंद करेंगे। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आइए हम जो रेसिपी आप लोग से शेयर करते हैं बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आपके घर में शाद और आबाद रखे, आपके खानों में रिस्क में बरकत फरमाए। आज हम लोग ब्रेड से बहुत स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए तैयार करने लगे हैं, जिसके लिए हमने एक सिर्फ पीस जो है ब्रेड का लिया है। इसको हम अच्छे से कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। ये जो है हम साइड पे कर देंगे। इसको मैंने थोड़ा सा फ्रिज में रख के तो सख्त किया है। फ्रिज में रखा था, इसको हमने थोड़ा सा सख्त करना था। गरम की जो है वो अच्छे से नहीं बनती। हमने पीसेस जो है वो तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम करते हैं फ्राई। और ये हमने एक बर्तन लिया, इसमें हम एग शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने एक अदद जो है एग शामिल कर दिया है। और ये हमने एक अदद टमाटर लिया है, 3 सब्ज़ी मिर्च ली हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं प्याज के लिए। अब हम इसमें प्याज की कटिंग करके जो शामिल कर देंगे। प्याज हम इस तरह से लेंगे, इसके इस तरह पीसेस करेंगे। ये लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एक एग में हमने ये चुन्ने मुन्ने जो प्याज हैं ये शामिल कर दिए हैं। लिटल लिटल बहुत ही प्यारे हैं, ये हमने छील के धो लिए ऐसे। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पीसेस रह गया टमाटर का, ये भी हम कट कर लेते हैं। सब मेरे शामिल करेंगे। इसमें नमक शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गरम मसाला हमने शामिल कर दिया, हम नमक शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें मेरे शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे। हमने ऑयल शामिल कर दिया, अब हम जो है ब्रेड इस तरह से इसमें शामिल करेंगे। सिर्फ जो है इसकी एक साइड है हमने वो कुक करनी है, एक साइड हमने जब कुक हो जाएगी तो बाहर निकाल लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कुक होना शुरू हो गई है। ऑयल जो है बड़ी तेज़ी से अपना रंग दिखा रहा है। इस तरह से हम हिला के जो है इसको कुक कर लेंगे। ठीक है, गोल्डन जो है वो होती जा रही है। ये देख लीजिए इस तरह से गोल्डन हो चुकी है। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको पहले हम निकाल लेंगे बाहर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
एक साइड जो हमारी अच्छे से गोल्डन हो चुकी है, अब हम इस तरह से निकालते जाएंगे। इसी तरह से आपने निकाल लेना है। ये आप लोग लंच में बच्चों को बना के दीजिएगा, बच्चे इंशाल्लाह बहुत पसंद करेंगे, बहुत मज़े का लगता है। कभी कभी चीज़ें बेवफाई कर जाती हैं। अब हम इसमें आगे शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हम इस तरह सेट करेंगे। अब ये जो हमने फ्राई की साइड है ये ऊपर, ये इस साइड पे करेंगे, सॉरी, और ये जो हमने नई फ्राई की वो हम दूसरी साइड पे करेंगे। इस तरह से साथ में हम इसको इस तरह से जज़ब कर देंगे। ये बहुत टेस्टी बनता है। आंच जो है वो हमने हल्की रखी हुई है। अब हम इसको हल्के से प्यार से इसको हम साइड इसकी जो है वो चेंज कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से प्लेट में हम लेंगे इसको निकाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइड जो है वो चेंज कर ली है। अब हम इस तरह से आराम से जो है प्लेट को इस तरह से हम आंच जो है हमने दूसरी साइड से भी हल्की रखी हुई है। बाद में हम इसके पीसेस कर लेंगे। अगर आप इसी तरह से ऊपर इसके पीसेस करना चाहें तो ऊपर भी कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर ही करके दिखा देती हूँ। इस तरह से दरमियान में चला, इस तरह से ये हमारे पीसेस हो चुके हैं। अब हम इसकी इस तरह से कर देते हैं मिक्सिंग, क्योंकि हमने जो पीसेस हैं वो तो कर लिए हैं। अगर जिस तरह से मैंने उल्टाया था, अगर आप लोग उस तरह से रखना चाहें तो उस तरह से भी रख सकते हैं। ये मैंने आपको इस तरह से भी कर दिया कि आप लोग इस तरह से भी इसकी सर्फिंग जो है वो कर सकते हैं। उस तरह से अगर आप रखना चाहें तो दूसरी साइड चेंज करके आप इस तरह से आप आराम से इसको प्लेट में निकाल लेते। ये वाला जो ऑप्शन है बेस्ट है। ये जनाब तैयार हो चुका है। अब हम इसकी करते हैं सर्फिंग। ये अब हम सर्फिंग करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बच्चों को लंच बॉक्स में ये ज़रूर बना कर दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। हमने सर्फिंग कर ली है। हमारा बहुत ही टेस्टी और मज़े का ब्रेड एग का नाश्ता जो है वो तैयार हो चुका है। आप लोग भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मेरी रेसिपी को शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।